हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवांस फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिली स्पेक्ट्रा, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ हेल्पिली एटम्स। दोस्तों, जो लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है कि फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक पेपर चलता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। उस पेपर की सेकंड यूनिट का ये एक टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंग या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस तो होते ही हैं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बाय द वे, एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है कि डिस्कस द हेल्पिली स्पेक्ट्रा या डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन एल्कली स्पेक्ट्रा के ऊपर पूछा जाता है, तो मैं आज के इस वीडियो में नोट्स बनवाऊंगा एल्कली स्पेक्ट्रा टॉपिक के ऊपर, जो नोट्स आपके एग्जाम में यूजफुल होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन जो एल्कली स्पेक्ट्रा के ऊपर पूछा जाए उसका आंसर देने में आज का जो भी मैं नोट्स में लिखवाऊंगा वो आई होप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये टॉपिक एक तरह से ब्रॉड टॉपिक है, कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि मुझे इस टॉपिक के अंदर लिखना क्या है। तो आज के इस टॉपिक में मैं बेसिकली इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि इन अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको क्या क्या लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं एल्कली स्पेक्ट्रा वाले टॉपिक का नोट्स बनाना। देखो, नोट्स बनाने के लिए मैं एक बार आपको माइंड में रख दूं आपके, कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, तो वही सब लिखना है। यानी इस टॉपिक का नाम आप ये भी दे सकते हो, दिस मींस फीचर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, मींस इस टॉपिक का ये नाम भी हो सकता है फीचर्स और एल्कली स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इसमें फीचर भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एल्कली एलिमेंट्स या एल्कली एटम कौन से होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखी है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज कॉल्ड एल्कली एटम्स। ठीक है, एल्कली एटम का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब फिर हम ये बताएंगे कि हम इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, आफ्टर हाइड्रोजन एटम द सिंपलेस्ट एटम टू स्टडी विद रिगार्ड टू देयर स्पेक्ट्रा आर एल्कली एटम्स। अब मीन्स हम एल्कली एटम के स्पेक्ट्रा का भी स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर किसी एटम का होता है, तो वो एल्कली एटम्स का ही होता है। हमें ये बात क्यों कह रहा हूं उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, किसी एटम से जो स्पेक्ट्रा रिलीज होता है, किसी एटम से अगर मैं कहूं कि स्पेक्ट्रा आता है, तो वो स्पेक्ट्रा किसकी वजह से होता है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होता है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होंगे उनका स्पेक्ट्रा उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, समझ रहे हो ये बात। अब हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बहुत सिंपल होता है। अब आप सिंपलिसिटी से ये आइडिया मत लगाना कि एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज मिलती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फोन, ये सीरीज मिलती है। इसका मतलब आप सोचो कि जब 3 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें स्पेक्ट्रा का ब्रॉड मिलता है, तो अगर हम मैं कहूं कि एटम के पास एक से ज्यादा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो स्पेक्ट्रा और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ऐसे एटम की स्टडी ही करनी है सबसे पहले स्पेक्ट्रा की, जिसके पास सिर्फ एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हो। तो वही लाइन मैंने लिखी, आफ्टर हाइड्रोजन एटम द सिंपलेस्ट एटम टू स्टडी विद रिगार्ड टू देयर स्पेक्ट्रा आर एल्कली एटम्स। एल्कली एटम्स ही हाइड्रोजन के पास सिंपलेस्ट एटम बन जाते हैं, क्योंकि सभी एल्कली एटम में सिर्फ एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जेड, यानी हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कॉन्फिगरेशन को चाहे आप KLMNOP सेल के टर्म्स में लिख सकते हो या इनके सब सेल के टर्म्स में लिख सकते हो।
ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो सेल के टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये सब सेल के टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे मैं के सेल में डालूंगा या 1s1 लिखते हैं। ऐसे लिथियम के केस में जब जेड इक्वल टू 3 है, मतलब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसे कहेंगे जेड इक्वल टू 3। तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में आ सकते हैं और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाएगा, तो एल सेल में या इसके कॉन्फिग्रेशन को हम लिख सकते हैं 1s2 2s1। ऐसी सोडियम का कॉन्फिग्रेशन देखें तो सोडियम के एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1 2 8 1। तो इसका कॉन्फिग्रेशन हमने लिख दिया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अच्छा, ऐसी पोटेशियम में पोटेशियम एटम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका कॉन्फिग्रेशन हमने लिख दिया 2 8 8 1। मीन्स ये सेल के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों को, कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 2s1। ठीक है, और रूबिडियम में देखो 2 8 कॉमन है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, तो वो चीज मैंने नहीं लिखी है, जो कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन अलग है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ से 3s2 3p6 3d10, और उसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4s2 4p6 एंड इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 5s1। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। और सीजियम एटम के लिए 55 इलेक्ट्रॉन होते हैं सीजियम एटम में, तो 2 8 18, तो 2 8 18 ऊपर वाले से कॉमन हो गया, तो हमने वो चीज नहीं लिखी है। इसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यानी फोर्थ सेल में जो nth सेल है वहां से 4s2 4p6 4d10 5s2 5d6 एंड 6s1। अब यहां से देखो एक लॉजिक भी मिलता है कि हम एल्कली एटम के स्पेक्ट्रा की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल्कली एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का वो सेम है हाइड्रोजन एटम की तरह सेम है। देखो सबका जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में ही है, पहली तो सिमिलैरिटी ये होगी, फर्स्ट सिमिलैरिटी, मतलब हम क्यों स्टडी कर रहे हैं उसका फर्स्ट रीजन क्या है कि एल्कली एटम्स आर सिमिलर टू एच एटम, ठीक है, विद ठीक है एच एटम, क्योंकि सबके ही केस में जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मैंने ग्राउंड स्टेट में लिखा है। एंड सेकंड जो बात है कि सबके पास ओनली अ सिंगल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या है, वही इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रह जाता है। अगर मैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उन सबको हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपको पता है सारे के सारे इन सभी एटम में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो एस ऑर्बिटल में जाता है, तो वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन सबके लिए कॉमन है। सभी का ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। और आपको पता है कि स्पेक्ट्रा किसकी वजह से जनरेट होता है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए हाइड्रोजन एटम के बाद जो सिंपलेस्ट एटम होते हैं जिनके स्पेक्ट्रा की हम स्टडी कर सकते हैं वो बन जाते हैं हमारे एल्कली एटम। एल्कली एटम यानी ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ एक और होता है रूबिडियम सीजियम फ्रेंचियम भी होता है, आप फ्रेंचियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा सकते हैं, मैंने नहीं दिखाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले आपको नोट्स में इंट्रोडक्शन में यही बताना है कि एल्कली एटम्स ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं और हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन या जो इनका ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर टू हाइड्रोजन एटम के ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की ही तरह है, और एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए भी इसकी स्टडी करना थोड़ा इजी है अदर एटम के केस में जिनके पास एक से ज्यादा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गई बात, क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। तो सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा अगर मैं कहूँ किन एटम का होगा तो उन एटम का होगा जिनके पास सिर्फ एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो नोट्स में इतनी लाइनें आप ऐड करने के बाद क्या लिखोगे वो मैं फटाफट स्क्रीन के सामने लिख देता हूँ।
सबसे पहला फीचर यही है कि द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑफ एल फिली एटम्स है सेम कॉन्फिगुरेशन एज द एच लाइक एटम, यानी ऐसे एटम जिनके पास सिर्फ एक एच हाइड्रोजन लाइक एटम, एच लाइक एटम मीन्स हाइड्रोजन लाइक एटम। क्लियर हो गया, पहला फीचर यही है, लेकिन फीचर आप अलग से मेंशन कर देना। अब हम सेकेंडली क्या बात करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रा आपको पता है कैसे जनरेट होता है, मैं बता देता हूं। जब एटम का इलेक्ट्रॉन, हम किसकी बात करें, एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब एटम का इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एक फोटोन रिलीज होता है और यही फोटोन हमें स्पेक्ट्रा देता है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब मुझे इस एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए, उस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए जो स्पेक्ट्रा को जनरेट करता है, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुझे एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए, एनर्जी ऑफ एल्कली एटम्स का एक्सप्रेशन चाहिए। एनर्जी ऑफ एल्कली एटम सिंपली सी बात है कि डिपेंड करती है इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में। होता क्या है, देखो मैं समझा देता हूं कि हम एनर्जी ऑफ एल्कली एटम का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एल्कली एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दो केस मैं लेता हूं एल्कली एटम में, एक लिथियम का केस है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक है सोडियम का केस जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो लिथियम का स्ट्रक्चर कैसा माना जाता है मैं दिखा देता हूं कि लिथियम के पास प्लस 3e का न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास प्लस 3e का चार्ज होता है। ठीक है, और इसके अराउंड में के सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एल सेल है एल सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे में सोडियम का अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो सोडियम के पास प्लस 11e का चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियस हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके के सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और ऐसी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेल होता है के, ये हो गया एल सेल, एक होता है एम सेल, के एल एम, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर हम एटम को एक्साइटेड करते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जो होता है हमने कहा कि वो स्पेक्ट्रा जनरेट करता है, कैसे करता है, जब हम एटम को एक्साइटेड करते हैं, एक्साइटेड हम किसी भी मीन से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो हम हीट देके या हम उस पर फोटोन मतलब उसको एनर्जी देके, कैसे भी एनर्जी, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो चाहे लाइट के फॉर्म में हो, किसी भी टाइप से हमने एटम को एनर्जी दी और एटम को एक्साइटेड किया। तो एटम को इस एक्साइटेड करने का मतलब क्या होता है कि ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी देके किसी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा दिया। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये है जिसके वजह से स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस से हम कंपेयर करें जिसका न्यूक्लियस पे प्लस ई का चार्ज होता है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसके के सेल में होता है, ठीक है, ये एम सेल है, तो इसकी एनर्जी में और इसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आ जाता है कि देखो उसको एक्सपेरिमेंटली जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तरह से उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती, मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी
एक्साइटेड स्टेट में भी कांस्टेंट रहते। मींस हमने एनर्जी दी इस एटम को या इस एटम को, जब मैंने एनर्जी दी तो जो कंप्लीटली फील्डेड सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी बिल्कुल नहीं गेन करते, मींस उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या कोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इसकी कोर क्या है, तो इसकी कोर में दो इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, भले हम इस एटम को एक्साइटेड स्टेट में क्यों ना पहुंचा दें, या इस एटम को हमने एनर्जी दी तो वो एनर्जी किसने ले ली, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो कोर की एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। ऐसी अगर मैं कहूं कि इसमें कोर क्या है, तो ये पूरा रीजन जिसमें लगभग 10 इलेक्ट्रॉन, लगभग क्या एक्जेक्टली 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कोर में यहां कहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब हम इस कोर को क्यों एक नाम दे रहे हैं, इसको नाम देना जरूरी है बिकॉज इस कोर की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मींस हम क्या कहेंगे कि जो एनर्जी ऑफ एल्कली एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, एनर्जी मैं कहूँ टोटल एनर्जी ऑफ एटम इक्वल टू एनर्जी ऑफ कोर प्लस एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटली ये पता चल गया था कि जो कोर की एनर्जी होती है, यानी कोर मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीटली फील्डेड सेल में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रॉन और फॉर एग्जांपल ये 10 इलेक्ट्रॉन ये कोर में रहते हैं और इनकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होती भले आप एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दो। तो इसका मतलब मैं ये एक तरह से ये कहूंगा कि एनर्जी ऑफ कोर जो ये ई कोर है, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, तो एक तरह से हम ये एक्सप्रेशन बनाएंगे कि एल्कली एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ये। और इसमें भी हमें एक चीज ये पता है कि एनर्जी ऑफ कोर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हमेशा फाइनाइट होती है और कांस्टेंट होती है। और जो चेंज होती है जब मैंने एटम को एक्साइटेड किया तो इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हुई बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो इसका मतलब ई मतलब होता है एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, वो डिपेंड करती है कि हमने इस एटम को कितनी एनर्जी दी। क्लियर होगी बात? तो एक बात बताओ, जो ये कॉन्स्टेंट था इससे कोई एनर्जी के एक्सप्रेशन में फर्क तो नहीं पड़ता, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे या इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, या हम इसको टेंस टू जीरो कर देंगे क्योंकि इस एनर्जी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मुझे अगर मैं एनर्जी ऑफ एल्कली एटम हटाऊं तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इसके सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि यार इस एटम की भी एनर्जी इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है और एनर्जी ऑफ एल्कली एटम की भी जो एनर्जी होती है वो इसी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, तो दोनों केस एक तरह से सिमिलर हो गए। तो दोनों केसेस का एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन एटम का, ये आप फटाफट नोट करते रहो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, ये तो एनर्जी ऑफ एल्कली एटम होगी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना एनर्जी और एल्कली एटम, हाँ ये एक्सप्रेशन है। बट अभी हमें एक चीज पता चली जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो पता चला कोर की एनर्जी चेंज होती नहीं, इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है और जो इस एल्कली एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन सेम होगा अगर मैं इस कोर की एनर्जी को इग्नोर कर दूं, जीरो ले। तो देखते हैं हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ई एन इक्वल टू एम जेड ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर अपॉन एप्साइलन का स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n², ये होता है हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है, देखते हैं स्टडी करते हैं, ठीक। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट द एनर्जी, अभी मैं इसको अच्छी तरह से नोट से बनवा दूंगा, जो भी ये चीजें बता रहा हूं लाइनों में क्या लिखना है, अभी मैं आपको इसके बाद पहले समझा रहा हूं, एक बार आप समझ लो उसके बाद मैं यही चीजें लाइनों में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ एच एटम,
पर जहां पे ये जेड ई क्या है, जेड ई चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, याद रखना। और जो ये ई है ये चार्ज ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और बाकी तो ये सब कॉन्स्टेंट आपको एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में मिल जाएगी, जो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम है या उन सब में आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। तो ये एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी और एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फटाफट ये नोट कर लो, मैं बिता रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है जेड ई यहां पे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो जेड की वैल्यू वन हो जाएगी, बट अदर एटम के लिए ये जेड की वैल्यू चेंज नहीं है, समझ में आ रही है बात। अदर एटम के लिए ये जेड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं सॉरी, इस जेड की वैल्यू चेंज होगी, समझ लो ना। हाइड्रोजन एटम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जेड की वैल्यू वन रखोगे, बट अगर मैं इसी एक्सप्रेशन के सिमिलर अगर इसका एक्सप्रेशन बनाऊं एनर्जी का, तो मुझे इस जेड की वैल्यू अदर एटम के लिए रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं कहूं कि एल्कली एटम के लिए क्या एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो आप कहोगे कि जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी फॉर एल्कली एटम, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है, अगर मैं लिथियम के लिए बोलूं तो जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी और सोडियम के लिए बोलूं तो जेड की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। बट जब हमने ये एक्सप्रेशन एज इट इज एल्कली एटम के लिए पुट किया, तो ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा था, खास बात है, समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन ये था, और आपको पता है ये जेड इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस था और ई इज द चार्ज ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन था, सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही थी, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कोर की एनर्जी कांस्टेंट होती है, बट प्रॉब्लम क्या था, इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद भी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, समझ लो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ई एन, तो ये ऑप्टिकल एनर्जी मीन्स इस एक्सप्रेशन में मैंने ऑप्टिकल एनर्जी के जगह ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, लेकिन तब भी मुझे टोटल एनर्जी करेक्ट नहीं मिल रही थी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं कर रही, समझ में आ रही है बात। इसके पीछे एक रीजन था, अब वो रीजन एक बार समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो मैं एल्कली एटम की ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के एक्सप्रेशन को नहीं मान सकता, मीन्स एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होता, यह एक तरह से एनर्जी ऑफ एल्कली एटम का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, फिर हमने समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमिना एग्जिस्ट होता है, वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये एक सर्किल है जिसके अंदर मैंने कोर के इलेक्ट्रॉनों को रखा है, या एक स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है जिसमें मैंने कोर के इलेक्ट्रॉनों को रख दिया है। अब आपको पता है न्यूक्लियस का चार्ज भी है और कोर के इलेक्ट्रॉनों को चार्ज भी है, तो टोटल अगर मैं कहूं कि स्फीयर के अंदर मुझे कितना चार्ज फील होगा, मैं फील होने की बात कर रहा हूं, तो इस टोटल जो ये इमेजिनरी स्फीयर है जिसके अंदर मैं कोर के इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, तो मैं कहूं कि इस स्फीयर के अंदर टोटल नेट चार्ज हो जाएगा प्लस ई। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को प्लस ई का चार्ज फील होना चाहिए, है ना। प्लस थ्री का न्यूक्लियर चार्ज नहीं फील करेगा, बिकॉज ये दो इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव चार्ज भी तो अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, क्योंकि ये हो गया 3 पॉजिटिव चार्ज और इसी स्फीयर के अंदर 2 निगेटिव चार्ज भी तो है, तो ओवरऑल मैं कहूं कि इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर कितना चार्ज फैक्ट है, तो आप कहोगे प्लस ई। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है एल्कली एटम्स का, वो प्लस ई का चार्ज फील करना चाहिए, समझ में आ रही है बात। ऐसी अगर मैं कहूं कि ये जो, क्योंकि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन तो इस कोर के बाहर है ना,
तो इस कोर के बाहर है, तो मैं कहूँ इस कोर के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना होगा, तो अगेन आपको पता है ये 11 प्लस ई चार्ज है और 10 माइनस ई चार्ज है, तो ओवरऑल इसके भी अंदर प्लस ई का चार्ज ही टैग्ड है, जो ये इमेजिनरी स्फीयर मैंने बनाया है जिसके अंदर कोर टैग्ड है न्यूक्लियस के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज है वो फील ही नहीं होता, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को ये लगेगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है बल्कि प्लस ई का चार्ज है। क्लियर हो गया। अब ये प्लस ई की थ्योरी हम समझते हैं, तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ गया ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हम न्यूक्लियर का चार्ज ZnE लेते हैं। ZnE मीन्स इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर होगा। अब ये इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू करेक्ट इतनी नहीं होती है, इससे ज्यादा होती है। ठीक है, अब ऐसा एक्सपेरिमेंटली आ रहा है, तो जो जो डेटा आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, इस जो ZnE की वैल्यू है, जो न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव चार्ज है जो इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन को फील होता है, वो चार्ज की वैल्यू प्लस ई से ज्यादा एंड माइनस प्लस जेड ई से कम होता है, यानी इस रेंज का होता है। ठीक है, इस इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की थ्योरी ऐसी है कि ये जो इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को फील होता है, उसकी वैल्यू प्लस ई से लेके प्लस जेड ई तक की रेंज की होती है। अब किसके लिए होगी, जैसे जैसे कोर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी स्क्रीनिंग इफेक्ट और परफेक्ट होता जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जिसको आप नोट कर लें मैं बता रहा हूं, मीन्स ये कंडीशन किसके लिए होल्ड हो गया, एज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द कोर ऑफ एटम जेड एन ई मीन्स इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस टेंड टू बी प्लस ई। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों की नंबर कम है तो ये जो जेड एन ई है वो अप्रोच करेगा, मीन्स इफ जेड इक्वल टू वन तो जेड एन ई की वैल्यू अप्रोच कर जाती है, जेड एन ई की वैल्यू अप्रोच कर जाती है जेड ई के। ठीक है, ये दो कंडीशन है कि कब ये इस पे अप्रोच करेगी, इस पे अप्रोच करेगी व्हेन जेड का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होगा एक से, और जब जेड की वैल्यू वन होगी, एग्जैक्टली वन होगी, तो जेड एन ई अप्रोच करेगा जेड ई के। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब ये जितनी बातें मैंने बताई वो मैं आपको अभी नोट्स उसके में बनवा दूंगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप फटाफट नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। मीन्स अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं क्योंकि मैंने ये कोर को समझाने के लिए बनाया था। तो मीन्स अगर मैं कहूं कि एनर्जी ऑफ एल्कली एटम्स, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ एल्कली एटम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, En इक्वल टू ई फोर प्लस ई ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, और ई ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, फिर ये न्यूक्लियर चार्ज जो था वो हम रिप्लेस करेंगे इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये ई ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन हो जाएगा En इक्वल टू एम जेड एन ई, जेड एन ई मीन्स इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का स्क्वायर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर। तो इस तरह से हम एनर्जी ऑफ एल्कली एटम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट इसके नोट्स अब बना देता हूं। नोट्स बनाने से पहले एक चीज अपने माइंड में आप रख लेना, जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम निगेटिव साइन का ही यूज करेंगे, ये बात अपने माइंड में रखना। जब भी मैंने लिखा होगा हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन,
तो आप यहाँ पे निगेटिव साइन रखेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निगेटिव होती है, वो एक बाउंड स्टेट है, और हर बाउंड स्टेट की एनर्जी कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो यहाँ पे आप निगेटिव साइन मेंशन कर देना, जब भी मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा हो आप आगे से माइनस साइन इंडिकेट कर देना, ठीक है। और एक और चीज भूल गया, यहाँ साइड में क्या लिख देना, ये जो जेड एन ई है इसे आप लिखोगे इफेक्टिव चार्ज ऑफ एल्कली ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद मैं फटाफट ये सारी चीजें नोट्स बना के लिख देता हूं। तो नोट्स में आप क्या लिखोगे, मैंने वो लाइनें लिख दी हैं। फर्स्ट फीचर तो मैंने आपको बता दिया कि एल्कली एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है हाइड्रोजन एटम के। एंड सेकंड फीचर क्या हो जाएगा, ऑल एल्कली एटम हैव सिंगल एस इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द क्लोज्ड सेल, दिस एस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रम। ऑल दोज सेल्स of alkali atom which are completely filled up called core, ठीक है, ये core की definition होगी। In excitation का total energy of core of alkali atom does not change, therefore the total energy of alkali atom is sum of energy of core plus energy of optical electron, दिखाई दे रहा है, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। E total equal to E core plus E optical electron means energy, total energy of alkali atom is equal to energy of core plus energy of optical electron. तो ये आपका second feature हो गया alkali spectrum। And third feature क्या है? In order to find how alkali atom generate their spectrum, we need an expression of energy of alkali atoms. Means obviously हमें अगर स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट हो रहा है तो मुझे एक एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि तभी तो मेरे पास दो या दो से ज्यादा एनर्जी का हम एनर्जी लेवल को डिफाइन करेंगे और तब स्पेक्ट्रम बताएंगे। तो वही लाइन के, इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ एल्कली एटम जनरेट देयर स्पेक्ट्रम वी नीड एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एल्कली एटम्स। फॉर कन्वीनियंस द एनर्जी ऑफ कोर इज विच इज अ फाइनाइट कॉन्स्टेंट taken at zero, then LHC expression of optical electron for H atom, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं यहां तक पॉज करके नोट कर लूंगा, सेकेंड पॉइंट मिटा हूं। उसके बाद क्या लिखना है, अब आपके ये जो मेरे पास जो बोर्ड है वो इतना छोटा है कि इसमें जगह नहीं थी, तो मैंने इसको सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसके बाद लिखोगे then energy expression of optical electron for H atom and ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कली एटम्स में बी सिमिलर, दैट इज द एनर्जी ऑफ एच एटम, मीन्स एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम भी लिख सकते हो। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल टू माइनस एम जेड ई का होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एट एप्सिलॉन का स्क्वायर एच स्क्वायर वन बाई ए। मैंने लिखवा दिया है पहले से यहाँ पे इन टर्म्स का मतलब क्या है, देन एनर्जी ऑफ एल्कली एटम्स एल्कली एटम्स शुड बी कैसा होगा, हम इस जेड ई को वेयर जो यहाँ पे जेड ई हमने पुट किया था चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस उसको हम रिप्लेस करेंगे इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। मैं बता रहा हूं इसको शुड बी कैसी हो जाएगी, ई टोटल इक्वल टू ई कोर प्लस ई
ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो मैंने जीरो रखी है, तो टोटल एनर्जी ऑफ कोर कितनी हो जाएगी, इसी के तरह अगर हम लिखेंगे तो माइनस का एम जेड एन ई का स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है, दिखाई दे रहे, ठीक है। यहां पे लिख लोगे वेयर जेड एन ई इज द इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस फॉर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे फोर्थ फीचर में, द क्वांटिटी जेड एन ई जिसे हम इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, द क्वांटिटी जेड एन ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लस ई बिकॉज द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज स्क्रीनिंग ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड ई बाई चार्जेज माइनस जेड एन जेड माइनस वन ई मीन्स वो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल चार्ज होगा, कोर के सभी इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल चार्ज होगा वो इतना होगा माइनस ब्रैकेट में जेड माइनस वन ब्रैकेट क्लोज ई के इक्वल होगा। अब देख लेना डायग्राम बना के कि कोर के सभी इलेक्ट्रॉनों का टोटल चार्ज इतना होगा मीन्स न्यूक्लियस का जो प्लस जेड ई चार्ज है वो कोर के इलेक्ट्रॉनों के चार्ज से स्क्रीन हो जाता है। ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन इज नॉट परफेक्ट मीन्स क्या हुआ, द क्वांटिटी जेड एन ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लस ई बिकॉज द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड ई बाई चार्ज माइनस जेड माइनस वन ई ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन इज नॉट परफेक्ट हेंस एनर्जी ऑफ एल्कली एटम्स इज मोर निगेटिव देन एनर्जी ऑफ एच एटम मोर निगेटिव देन एनर्जी ऑफ एच एटम इन सेम स्टेट दिस मीन्स मीन्स कहने का मतलब क्या है, देखो एनर्जी ऑफ एच एटम क्या थी माइनस का एम जेड ई का स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एट एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर, ये एच एटम की एनर्जी है और यही एल्कली एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ई एन इक्वल टू माइनस एम जेड एन ई का स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एट एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर एच स्क्वायर और वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आपको कैलकुलेशन में पता है कि माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जेड ई की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होती है, दिखाई दे रहा है, कहीं ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि ये जेड एन ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मैंने लाइनों में क्लियर कर दिया कि जेड एन ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लस ई, यानी जेड एन ई की वैल्यू ग्रेटर देन ई है क्योंकि हाइड्रोजन के केस में जेड ई की वैल्यू कितनी होती है प्लस ई होती है, यानी इस प्लस ई से जेड एन ई हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा यानी जो इसका एनर्जी है इसमें मैं जेड एन ई की एनर्जी का मल्टीप्लाई ही तो करूंगा, इस जेड एन की वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई करूंगा मीन्स इसके और इसके फॉर्मूले में अगर आप कंपेयर करो तो जो एल्कली एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है या एल्कली एटम के जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो निगेटिव होता है, इससे भी ज्यादा निगेटिव होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों निगेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे हम जेड ई की वैल्यू ई लिख रहे हैं और यहाँ पे हम जेड एन ई की वैल्यू ई से ज्यादा ही लिख रहे हैं, ई से ज्यादा ही लिख रहे हैं मतलब ये इससे भी ज्यादा निगेटिव वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आएगी फॉर किसी भी एन के लिए करस्पॉन्डिंग एन के लिए, ठीक है। अगर एन की वैल्यू वन रखते हैं तो भी ये ज्यादा आएगा, एन की वैल्यू टू रखते हैं दोनों ही केस में तब भी हर केस में इसकी वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगी, क्लियर हो गई बात। यहां तक मैंने ये लाइन इज मोर निगेटिव देन एनर्जी ऑफ एच एटम इन सेम स्टेट, ठीक है। दिस मीन्स एनर्जी लेवल ऑफ एल्कली एटम आर लोअर देन द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ एच,
फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जहां तक तो मैंने आप लोग कॉल करके इस लाइन तक नोट कर लेना, मैं बता रहा हूं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या कि हाउएवर मैंने क्या बोला, द एनर्जी ऑफ लेवल ऑफ एल्कली एटम आर लोअर देन द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ एच एटम। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल देखो लिथियम के केस में जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है, जिसके लिए n इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ एच एटम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, एच एटम की एनर्जी माइनस का 13.6 अपॉन n की वैल्यू मैं कितनी रख दूं, इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन एटम का ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 2 लेवल में है, तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बट लिथियम के केस में ऐसा नहीं होगा, लिथियम के केस में अगर मैं कहूँ लिथियम की एनर्जी इससे भी ज्यादा निगेटिव होगी, बिकॉज लिथियम का ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन भी n इक्वल टू 2 सेल में, तो करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है कि हम सेम सेल ले रहे हैं, कि हाइड्रोजन एटम का भी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू 2 सेल में हो, ऐसे हमने लिथियम एटम का तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 सेल में ही होता है, तो इस केस में इसकी एनर्जी इससे भी ज्यादा निगेटिव हो जाएगी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मोर निगेटिव होगी, मोर निगेटिव और निगेटिव होती जाएगी, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग का मतलब यही हुआ कि हम जिस सेल का एल्कली एटम का ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी सेल का हम हाइड्रोजन एटम का भी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और उसकी एनर्जी का कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होगी वो उससे भी ज्यादा निगेटिव एनर्जी के होते हैं ऑप्टिकल, उससे भी कम एनर्जी वाले होते हैं एल्कली एटम, यानी एल्कली एटम की एनर्जी अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन एटम से भी ज्यादा निगेटिव होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यही हुआ कि जो एल्कली एटम्स के ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम के ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में मोर निगेटिव होती है। मोर निगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है एल्कली एटम का वो टाइटली बाउंड होता है हाइड्रोजन एटम के ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। However, as n increase, अब ये n अगर increase करेगा, कहने का मतलब है आपको पता है k, l, m, n, k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 3 होती है और इसके लिए n की वैल्यू 4 होती है, तो जैसे जैसे n increase करता है ये सब लेवल बढ़ते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनों से, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मीन्स जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी हमें कोर के इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर इंक्रीजेज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर इंक्रीज करेंगे, है ना, मीन्स हाउ एवर n इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एल्कली लेवल अप्रोच टू करस्पॉन्डिंग h लेवल, मीन्स जैसे ही कोर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी स्क्रीनिंग इफेक्ट और परफेक्ट होता चला जाएगा, और जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट परफेक्ट होता जाएगा ये प्लस ई की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो प्लस ई की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा, और जैसे ही वो प्लस ई की तरफ अप्रोच करेगा तो एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे जेड एन ई की जगह में क्या लिखूंगा, यहाँ पे जेड एन ई की जगह हमें प्लस ई लिखना होगा, तो करेक्ट हाइड्रोजन एटम का एक्सप्रेशन मिल गया हमें, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया, तो दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर होंगे, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है हाउएवर एन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एल्कली लेवल अप्रोचेज द करस्पॉन्डिंग एच लेवल बिकॉज स्क्रीनिंग बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट। तो ये हमारा फोर्थ फीचर था, आप फटाफट इसे नोट कर लें। तो जो ये एल्कली एटम्स का स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स का जो फिफ्थ फीचर है वो थोड़ा ब्रॉड है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले समझाता हूँ फिर नोट्स बना लेंगे, क्योंकि नोट्स में ज्यादा लगने से कुछ है नहीं। देखो जो हाइड्रोजन एटम का केस होता है ना, एच एटम का, इस केस में अगर मैं बोलूं कि n इक्वल टू 1 सेल में कितने सब सेल होता है, 1s होता है,
लेकिन n इक्वल टू टू सब सेल में n इक्वल टू टू सेल में कितने सब सेल होते हैं, 2s 2p दो सब सेल होते हैं। n इक्वल टू थर्ड सेल में कितने सब सेल होते हैं, 2s सॉरी 3s 3p एंड 3s 3p 3p एंड n इक्वल टू फोर्थ सेल में कितने सब सेल होते हैं, मैं यहाँ पे सेल लिख रहा हूँ और ये सब सेल है, ठीक है, ये है सेल और ये है सब सेल्स। क्लियर हो गई बात, इसके होते हैं 4s 4p 4d एंड 4f। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, अगर आप लोगों को, मैंने एक वैसे हार्ट्री और आप बाहु का प्रिंसिपल पे वीडियो बना दी है, ठीक है, उस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आज की बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। अगर आज जो मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ अगर ना समझ में आए तो उसके लिए आप हार्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने हार्ट्री या आबाउ प्रिंसिपल पे एक वीडियो बना दिया वो देख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के केस में अगर मैं कहूँ कि इस सेल की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा तो आप सिंपली बोलोगे ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज एन की वैल्यू क्या हो जाती है 5। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों ही सब सेल की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा तो आप लिखोगे ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन तीनों ही सब सेल की एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन बनाओ तो ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं एन की वैल्यू पुट करते जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। तो एन की वैल्यू आप चेंज करोगे, मीन्स इन दोनों ही सबसेल या इन तीनों ही सबसेल या इन चारों ही सबसेल की एनर्जी सेम होगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इन चारों ही जो सबसेल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है हाइड्रोजन के केस में। बट जब हम एटम्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन मीन्स एटम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन का जब हम केस की स्टडी करते हैं तो हमने देखा है जो एनर्जी ऑफ एटम ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो मैं एटम की एनर्जी की बात करूं या एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूं, दोनों ही एक बात है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एटम इस एन पे तो डिपेंड करती ही करती है, इस एन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही समझो, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, ठीक है, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा में इसमें इसके डिटेल के बारे में बात करूंगा, बट अभी हम फीचर की बात करें तो फीचर में इतना ही समझो, ठीक है। तो फीचर में ये समझो कि जो भी एटम जिनके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी एन पे तो डिपेंड करती ही है, ऊपर से इस एल पे, जिसे हम कहते हैं, एल को हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या हम इसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे भी डिपेंड करती है। अब मैं बताऊं इस L की वैल्यू, S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए L की वैल्यू होती है 1, D के लिए L की वैल्यू होती है 2, F के लिए L की वैल्यू होती है 3, मीन्स हर एक ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू चेंज होती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, यानी S ऑर्बिटल के लिए अलग एनर्जी होगी, P ऑर्बिटल के लिए अलग एनर्जी होगी, D ऑर्बिटल के लिए अलग एनर्जी होगी। इनका जो एनर्जी का रिलेशन है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए आप बाहु ने एक रूल दिया है, आप बाहु आप जानते होंगे इंटरमीडिएट की क्लास में केमिस्ट्री में ये रूल एग्जाम में बहुत आता है। तो हम एनर्जी पता करने के लिए कि किस सेल की एनर्जी, यानी अब क्योंकि एल्कली एटम हाइड्रोजन की तरह तो है नहीं कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उनके पास तो कई सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो उनकी एनर्जी है वो सेल पे भी डिपेंड करती है और सब सेल पे भी डिपेंड करती है। तो एनर्जी लेवल का जो ऑर्डर है उसको अगर हम देखें तो वो ऑर्डर हो जाता है
1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की एनर्जी उससे ज्यादा, 2p उसकी एनर्जी उससे ज्यादा, 1s 2s 2p, ठीक है। या हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ताकि आप लोग नोट्स बना लो, हाफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाफ बाउ प्रिंसिपल द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एटम्स ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हैज फॉलोइंग रिलेशन। और वो फॉलोइंग रिलेशन क्या है देख लेते हैं। तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s ऑर्बिटल की, फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल की, फिर 2p ऑर्बिटल की, उसके बाद 3s ऑर्बिटल की, उसके बाद 3p ऑर्बिटल की, उसके बाद 4s ऑर्बिटल की, उसके बाद 3d ऑर्बिटल की, उसके बाद 3p के बाद 4s 4p, फिर उसके बाद 4p, फिर देख लेता हूँ, ठीक है। मुझे आप लोग आप बहु का प्रिंसिपल आप लर्न कर लेना, ठीक है। 4s 3d 4p 5s, इसके बाद आता है 5s, उसके बाद 4d 4d 5p 6s 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है 4f 5d, ठीक है। 4f 5d 6p एंड 7s 6p एंड 7s, इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर होता है। मीन्स इन सभी इनकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं n इक्वल टू 1 की एनर्जी सबसे कम दिखाता हूँ, n इक्वल टू 2 की एनर्जी उससे ज्यादा दिखाता हूँ, फिर n इक्वल टू 3 की एनर्जी में सबसे ज्यादा दिखाता हूँ। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनका लेवल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन ऑर्बिटल पे। यानी 1s का ऑर्बिटल से हायर एनर्जी 2s ऑर्बिटल की होगी, फिर 3s 2p ऑर्बिटल की होगी, फिर उसके बाद 3s ऑर्बिटल की होगी, उसके बाद 3p ऑर्बिटल की होगी, इस तरह से इस ऑर्डर में। मीन्स अब जो एटम की जंप होगी वो यहां से यहां, यहां से यहां, या यहां से यहां, या यहां से यहां, इस तरीके से हो सकती है। मीन्स अब जंप ऐसे नहीं होगी, मीन्स स्पेक्ट्रम अब इस तरह से नहीं मिलेगा हमें। अब स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब एटम का जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर एनर्जी ऑर्बिटल से किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करता है, तब जाके एल्कली स्पेक्ट्रा जनरेट होगा, समझ गए। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से नहीं दिखा सकते स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा अगर मुझे दिखाना है एल्कली एटम का तो मुझे ऑर्बिटल के टर्म्स में बात करनी है, क्योंकि ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी तो मुझे इस लेवल को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसमें जो s और p ऑर्बिटल थे उन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसमें जो s p d ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी सेम है, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हर ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है। तो इसका मतलब जब अब एल्कली एटम का जो स्पेक्ट्रा जनरेट होगा वो कब जनरेट होगा, जब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन किसी हायर एटॉमिक ऑर्बिटल से किसी लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल में जंप करेगा, तब जाके एल्कली स्पेक्ट्रा जनरेट होगा, ठीक है। ये बातें आप फटाफट नोट कर लो। अब एल्कली एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बना दे, तो एल्कली एटम्स का एनर्जी लेवल डायग्राम आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने सीरीज लिख देते हैं, ठीक है। 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की उससे ज्यादा, 3s सॉरी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, इस तरह से। तो लेवल क्या दिखाएं, सबसे नीचे क्या होगा, ये एनर्जी निगेटिव जा रही है, ठीक है, और यहां कहीं एनर्जी का
एनर्जी की वैल्यू जीरो है, तो एनर्जी कहती है निगेटिव है। देखो निगेटिव एनर्जी बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो एटम कहता है बाउंड स्टेट है, ठीक है, एटम कैसी स्टेट है, एक बाउंड स्टेट है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो 1s लेवल मैंने यहां दिखाया, ठीक है, यहां मैं दिखा रहा हूं कि s ऑर्बिटल में यहां दिखाऊंगा, p ऑर्बिटल में यहां दिखाऊंगा, d ऑर्बिटल में यहां दिखाऊंगा और f ऑर्बिटल में यहां दिखाऊंगा। तो s के नीचे मैंने s ऑर्बिटल दिखा दिया, ठीक है। अब s के बाद दूसरा यानी इसकी एनर्जी सबसे कम, उसके बाद एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो कहीं 2s लेवल होगा, ये है 1s लेवल, ठीक है। या कहां लिख दे, साइड में लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 1s, ये हो गया 2s लेवल और ये हो गया 1s लेवल। इसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, 2p लेवल की, ठीक है, तो 2s से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होगी 2p लेवल की, क्लियर होगी बात। p के नीचे p लेवल लिखा है क्योंकि p लेवल की इस 2s और 1s ऑर्बिटल से एनर्जी ज्यादा है। फिर इसके बाद किसकी ज्यादा है, 3s लेवल की एनर्जी ज्यादा है, तो यहां हम 3s लिख देते हैं, 2p से भी ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3s ऑर्बिटल की। फिर उसके बाद 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3p ऑर्बिटल की, तो यहां पे आ जाएगा 3p ऑर्बिटल, क्लियर होगी बात। फिर 3p ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी है 4s ऑर्बिटल, तो यहां हम कहीं दिखा देते हैं 4s ऑर्बिटल, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं। ऑर्बिटल को अलग अलग, यानी s ऑर्बिटल की अलग लाइन बना दे रहा हूं, p ऑर्बिटल की अलग लाइन बना रहा हूं, लेकिन एनर्जी का ऑर्डर सेम रख रहा हूं, जैसा कि आप लोगों ने बताया था हमें कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि 3p के बाद हो गया 4s, 4s के बाद होता है 3d, तो 3d कहां आ गया, 4s के बाद हम ऊपर बना देंगे 3d, ठीक है, 4s के बाद आ गया 3d ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरह से ऑर्डर होता है, क्लियर हो गया बात। 3d के बाद क्या आ जाएगा, देख 3d के बाद आता है, मैं लिखू 3d के बाद आता है 4p 5s, 4p 5s, उसके बाद आता है 4p 5s, 4d 5p, 4d एंड 5p, तो यहां देखो 3d के बाद आता है 4p, 3d के बाद आता है 4p, यहां आ जाएगा 4p के बाद आता है 5s, 5s यहां आ जाएगा और फिर 5s के बाद 4d आ जाएगा, 4d आ जाएगा और 4d के बाद आ जाएगा 5d, इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं कि एल्कली एटम के स्पेक्ट्रा की बात करूं, तो मैं किसी सोडियम एटम की बात करूं, तो सोडियम एटम देखो मैं इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज ना इसमें इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर कम होगा तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा बिकॉज स्क्रीनिंग परफेक्ट नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा ही होंगे तो फिर कहते हैं, समझ रहे हो ना, मैं दो केस नहीं लेना चाह रहा हूं, एक जिसके लिए जेड एन ई की वैल्यू अप्रोच करे प्लस ई के बराबर और एक जिसके लिए जेड एन ई की वैल्यू अप्रोच करे प्लस जेड ई के बराबर, तो इन दोनों के बीच का केस क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा हो ना कम हो, तो सोडियम ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो सोडियम एटम का स्पेक्ट्रा कब जनरेट होगा, इसका कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, तो यानी 1 जो 3s1 है वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा और उसके वजह से स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। यानी हमें बात कहां से करनी है, 3s ऑर्बिटल से बात करनी, मींस ये 3s ऑर्बिटल है, तो ये 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां कहां जंप कर सकता है, देखो 3p में जंप कर सकता है, 4s में जंप कर सकता है, 4p में जंप कर सकता है, 3d में जंप कर सकता है। तो यानी अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं तो ये तो आप एनर्जी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे सोडियम एटम की, तो आप लिखो कि फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सोडियम एटम क्या बन जाएगा, तो देखो सोडियम एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम, तो सबसे कम एनर्जी सोडियम एटम के ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3s में, तो 3s की एनर्जी सबसे कम,
तो ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहाँ जम्प कर सकता है? 3s से 3p में जम्प कर सकता है। तो यानी ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन 3p में जम्प कर सकता है, और 3p से के अलावा कहाँ जम्प कर सकता है? 4s में जम्प कर सकता है। 4s के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है? 3d में भी जम्प कर सकता है। 3d के बाद और कहाँ जम्प कर सकता है? 4p में जम्प कर सकता है। 4p के बाद कहाँ जम्प कर सकता है? 5s में जम्प कर सकता है। 5s के बाद कहाँ जम्प कर सकता है? 4d में जम्प कर सकता है। 4d के बाद कहाँ जम्प कर सकता है? 5p में जम्प कर सकता है। 5p के बाद 6s में भी जम्प कर सकता है। 6s, फिर 4f, फिर 6s के बाद 5p के बाद 6s में जम्प कर सकता है। 6s के बाद 4f में भी जम्प कर सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी इतनी है, ठीक है। इसका मतलब स्पेक्ट्रा कहाँ? देखो, ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम, यानी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो 3s ऑर्बिटल में ही है। तो ये कहाँ कहाँ से जम्प कर सकता है? तो इसका मतलब स्पेक्ट्रा मीन्स इस लेवल से इस लेवल में भी जम्प कर सकता है। क्या जम्प कर सकता है बताओ मुझे? इस लेवल से इस लेवल में जंप नहीं कर सकता। देखो, जंप का जो सिलेक्शन रूल होगा वो डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा, ठीक है। आप लिख लेना, जो स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट कर, जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो ट्रांजिशन है वो ये सिलेक्शन रूल फॉलो करेगा। ये सिलेक्शन रूल सिंपली कहता है कि हायर एनर्जी ऑर्बिट और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के बीच में डेल्टा एल की वैल्यू प्लस वन होती है। अब इस स्पेक्ट्रल लाइन में देखो, इसके लिए एल की वैल्यू जीरो और इस लेवल के लिए एल की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू तो जीरो ही हुई है ना। डेल्टा एल कैसे निकलेगा? डेल्टा एल इक्वल टू हायर वैल्यू ऑफ एल माइनस लोअर वैल्यू ऑफ एल यानी जीरो। इसका मतलब एस से एस, 4s से 3s ऑर्बिटल में जंप इम्पॉसिबल है। मींस ये ट्रांजिशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, ये ट्रांजिशन हो नहीं सकता। और ये सिलेक्शन रूल आपको मैं बता दूं, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिशन कौन कौन से पॉसिबल है, एक आइडिया दे देता हूं कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है। देखो, ट्रांजिशन पॉसिबल है, देखो एक लेवल का, देखो पी से अगर एस में ट्रांजिशन होता है तो देखो इसके लिए एल की वैल्यू वन, इसके लिए एल की वैल्यू जीरो, यानी एक यूनिट का गैप पूरा। इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? वन माइनस जीरो यानी प्लस वन। ऐसी और क्या हो सकता है? डी से पी में ट्रांजिशन हो सकता है और पी से एफ में ट्रांजिशन हो सकता है, समझ रहे हो ना? डी से पी में और फिर एफ से डी में, इस तरह से ट्रांजिशन हो सकता है। तो ट्रांजिशन कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो चार पॉसिबिलिटी में फटाफट लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो उन चार पॉसिबिलिटी को आप कैसे याद कर सकते हो उसका भी तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। यानी हमें ट्रांजिशन कैसे देखना है, जो ये सिलेक्शन रूल फॉलो करे, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन। अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो हमें हमारे पास एल्कली एटम की फोर सीरीज मिलती है। सबसे फर्स्ट सीरीज होती है प्रिंसिपल सीरीज, सॉरी सार्क सीरीज। सबसे फर्स्ट सीरीज होती है सार्क सीरीज, ठीक है। फटाफट आप ऐसे ही लिखते रहना। सार्क सीरीज कब होती है? जब NS से 3P में जंप करता है, NS से 3P में जंप कर सकता है, या सीरियली लिखते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है ये सब। हम सबसे पहली सीरीज हम लिखते हैं प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है, प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है। प्रिंसिपल सीरीज क्या होती है बता देता हूं। जब ट्रांजिशन np से 3s में होता है, अब वेयर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेयर n की वैल्यू हो जाएगी थ्री फोर फाइव सिक्स इंटीसी, दिखाई दे रहा
दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेयर एंड की वैल्यू ठीक है, एन की वैल्यू ऐसी होगी, पॉसिबल है, बिकॉज ये ग्राउंड स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर सकता है, इस लेवल से यहां या इस लेवल से यहां या इस लेवल से यहां। तो ये जो सीरीज हुई, यानी जो ये स्पेक्ट्रल लाइन जो पी ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल में जंप में जो लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है, समझ गए। यानी ऑब्वियसली सी बात है कि क्या कहते हैं, आपका जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। जब पी ऑर्बिटल से स्पेशली जब पी ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है या एस ऑर्बिटल में जंप करता है तो ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज होती है उसको हम प्रिंसिपल सीरीज कहते हैं। क्लियर हो गया। एक और मैं बात बता दूं, प्रिंसिपल सीरीज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर जंप पी ऑर्बिटल से होती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल सीरीज का नाम हमने क्यों प्रिंसिपल रखा, बिकॉज ये हर एक जंप पी ऑर्बिटल से होती है, इसलिए इसे प्रिंसिपल सीरीज कहते हैं। अब आपको पता है कि पी ऑर्बिटल से ये डेल्टा एल रूल अगर हम फॉलो करें तो पी ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल में ही जंप कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, इसे प्रिंसिपल सीरीज कहते हैं। और इसकी एक खास बात होती है, द लाइन इन प्रिंसिपल सीरीज, द लाइन्स इन प्रिंसिपल सीरीज, द लाइन इन प्रिंसिपल सीरीज आर ऑब्जर्व जंप्ड इन बोथ इनिशियल एंड एब्जॉर्प्शन, इन बोथ इनिशियल एंड ऑब्जॉर्प्शन, मीन्स ये जो सीरीज होती है इसका इनिशियल स्पेक्ट्रा भी मिलता है एंड ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी मिलता है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये लाइन आप नोट कर लेना, ठीक होगी। प्रिंसिपल सीरीज की बात हो गई, मैं मिटा दूं। अब जो सेकेंड सीरीज होती है वो क्या होती है, अगर हम फिर से इसी रूल को अगर फॉलो करें तो एन एस से इसके बाद एक और ट्रांजिशन हो सकता है, एन एस से थ्री पी में, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हमने देख लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन थ्री पी से थ्री एस में जंप कर रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ किसी और तरीके से भी आ सकता है। कहां से आ सकता है, इस 4s किसी हायर एनर्जी लेवल से इस पे जंप कर सकता है। तो एक ट्रांजिशन ऐसा भी हो सकता है बिकॉज इसमें भी माइनस, देखो s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, इसके लिए l की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो डेल्टा l की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1। तो यहाँ पे भी कौन सा सिलेक्शन रूल फॉलो हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इस टाइप के जितने भी ट्रांजिशन होते हैं इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 4, 5, 6, 8। अब मैंने 4 क्यों लिया, बिकॉज 3s में तो जंप कर नहीं सकता ना, समझ रहे हो ना। तो किसी हायर एनर्जी लेवल से हम ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, तो हायर इस 3p से हायर एनर्जी स्टेट वाला s ऑर्बिटल कौन सा है, 4s ऑर्बिटल है, तो 4s से स्टार्टिंग करेंगे, 4s, 5s, 6s, किसी से भी इस एनर्जी लेवल में जो जंप होगा उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगी, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी इनको हम कहेंगे 7 सीरीज, इस स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज को हम कहेंगे 7 सीरीज। तो आप इसको सेकंड 7 सीरीज, अब इसे 7 सीरीज कहने का एक और लॉजिक बन जाता है, क्योंकि सारे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं किसी हायर एस ऑर्बिटल से, एस ऑर्बिटल से ही 7 मीनिंग निकलता है, ये एस ऑर्बिटल से ही 7 वर्ड बनाया है। तो एस ऑर्बिटल से ही सारी लाइन जब जनरेट होती है, किसी हायर एस ऑर्बिटल से जब जंप होती है तो हमें जो सीरीज मिलती है वो 7 सीरीज मिलती है। अब क्योंकि एस से डी में तो जंप हो नहीं सकती ना, अब अगर तुम एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जंप कराओगे तो ये वाला रूल फॉलो कहां होगा,
तो एस से सिर्फ पी ही में जंप हो सकती है, इसलिए भी ये लॉजिक आप समझ जाओ कि एक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, बिकॉज एस से डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ना एस से एफ ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो एस से पी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और उससे जो सीरीज जनरेट होती है, जो स्पेक्ट्रल सीरीज जनरेट होती है, उसे हम शार्प सीरीज कहते हैं। तो शार्प सीरीज में भी एक लाइन लिख लेना, क्या लाइन लिखोगे, लाइन द लाइन्स इन शार्प सीरीज, द लाइन्स इन शार्प सीरीज आर फाउंड टू बी शार्प, आर फाउंड टू बी शार्प, क्लियर हो गई बात। तो हमने दो सीरीज देख ली, ठीक है, इसका मतलब सारे एल्कली एटम्स इस टाइप की सीरीज दिखाते हैं, शो करते हैं ये सीरीज, ठीक है। हमने कहा शार्प सीरीज के बाद हम थर्ड सीरीज भी मिलती है हमें, एल्कली एटम्स की थर्ड सीरीज होती है डिफ्यूज्ड सीरीज, डिफ्यूज्ड सीरीज। अब ये डिफ्यूज्ड सीरीज भी डी ऑर्बिटल से रिलेटेड है, मीन्स जब जंप किसी डी ऑर्बिटल से, अब डी ऑर्बिटल से जंप एस ऑर्बिटल में नहीं हो सकती, बिकॉज ये रूल ब्रेक हो जाए, इसका मतलब डी से पी ऑर्बिटल में ही जंप हो सकती है, तो डी से हम थ्री पी ऑर्बिटल में जब जंप कर रहे हैं, तो डी के बाद नहीं, थ्री पी के बाद कौन सा डी एग्जिस्ट कर रहा है, थ्री डी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू 3, 4, 5, 6 ईटीसी हो सकती है, समझ गया ना, लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सीरीज जनरेट हो रही है, ये रूल, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है बिकॉज सिलेक्शन रूल हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होती है उन्हें हम डिफ्यूज सीरीज के अंदर रखते हैं। तो डिफ्यूज सीरीज क्या हो गई, ये शार्प और प्रिंसिपल सीरीज में मिटा दू, ठीक है, इसको मिटा दू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s के बाद यहाँ आ गई 3p के बाद 4s, तो डिफ्यूज सीरीज, तो डिफ्यूज सीरीज क्या होगी, जब लाइन कहाँ से जंप करे, 3d से 3p में, 4d से 3p में, और इसके बाद जो भी 5d आएगा, तो ये जितनी भी लाइन डी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में जंप से मिलती हैं, वो आती हैं डिफ्यूज्ड फ्यूज्ड सीरीज। और डिफ्यूज सीरीज के लिए भी एक लाइन आप लिख लेना, द डिफ्यूज सीरीज लाइन आर, द डिफ्यूज्ड सीरीज लाइंस आर somewhat diffused, ठीक है, इनका नाम भी ऐसे ही पड़ा है जैसा कि ये नेचर शो कर रही थी, ठीक है। डिफ्यूज सीरीज के बाद एक और सीरीज मिलती है, मिटा फोर्थ सीरीज, ठीक है, कैमरा ऑन है, मैं बीच बीच में बंद कर देता हूं, ठीक है। फोर्थ सीरीज क्या है, मैं नाम भूल गया, फंडामेंटल सीरीज। अब फंडामेंटल सीरीज का भी नाम ऐसे ही है, फंडामेंटल सीरीज। अब देखो यहां फंडामेंटल यानी एफ आ रहा है, मींस अब ट्रांजिशन हमें कहां से लेना, एफ ऑर्बिटल से, तो एफ ऑर्बिटल आपको दिख रहा है 4, तो यानी एन एफ से, अब एफ ऑर्बिटल से जंप कहां हो सकती है, किसी लोअर ऑर्बिटल में हो सकती है, तो एफ के F से सिर्फ एक यूनिट का गैप बनाने वाला जो ऑर्बिटल है वो है D ऑर्बिटल, तो F से F 4F से नीचे कौन सा D है, 3D ही तो है, देखो 4D तो है, 3D भी तो है, यानी लाइन इस पे भी तो जंप कर सकती है, क्लियर हो गई बात। तो क्या कहते हैं, N इक्वल टू F, यानी यहां N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 5, 6 ETC, तो यानी जब F ऑर्बिटल किसी हायर F ऑर्बिटल से किसी लोअर D ऑर्बिटल में जब
जंप होती है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की, तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज जनरेट होती है उसे हम फंडामेंटल सीरीज कहते हैं, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। तो इसके लिए भी एक लाइन लिख लो, क्या लाइन लिखे हम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल सीरीज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल सीरीज, सिर्फ नोट्स बनवाने थे इसीलिए मैंने याद नहीं कर रखा है, ठीक है। फंडामेंटल सीरीज आर वेरी क्लोज टू करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, वेरी क्लोज टू करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एटम, ठीक है। हेंस दैट मीन, हेंस दैट मीन, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमें हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी के मैच कर रही थी, इसीलिए हम इस सीरीज को फंडामेंटल सीरीज भी कहते हैं। तो वही मैंने लाइनें लिख दी। तो एल्कली स्पेक्ट्रा का जो फीचर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा में भी ये सब लिखना है, और अगर आपसे एल्कली स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं तब भी आपको यही सब लिखना है। तो एल्कली स्पेक्ट्रा में हमको बेसिकली फोर सीरीज मिलती है, एक शार्प प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज या फंडामेंटल सीरीज। याद कैसे कर लोगे, एस पी डी एफ, तो एस से शार्प सीरीज, पी से प्रिंसिपल सीरीज, डी से डिफ्यूज सीरीज, एफ से फंडामेंटल सीरीज, इस तरह से आप एल्कली स्पेक्ट्रा को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सभी एल्कली एटम का जो स्पेक्ट्रा था वो सिमिलर था, इसीलिए हम एक ही टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।